टेंथ क्लास का हम कंप्यूटर का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर टू, उसमें हम देख रहे थे डिफरेंट किस्म की कमांड्स होती हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। उन कमांड्स में से अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है स्टार्ट हो। लाइक एग्जांपल है
point where input occurs. अगर ब्रेक वहां पर लगाएंगे जहां से यूजर क्या है वो इनपुट दे रहा है, तो जब आप statement
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है एक तो, उसके बाद क्या करता है, ऑल फाइल्स को क्लोज कर देता है, क्लोज ऑल अदर फाइल्स, क्लोज ऑल फाइल्स, तमाम फाइलों को क्लोज करता है एंड रिटर्न टू कमांड लेवल। और ये कमांड लेवल पे रिटर्न किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल एंड की आपने कमांड दी। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपके पास रन स्टेटमेंट है, आर ई एम। ये जो स्टेटमेंट है आपके पास आर ई एम वाली स्टेटमेंट, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। दिस आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है एंड यूज किसकी होती है, फिर एंड यूज फॉर एक्सप्लोनेटरी एक्सप्लोनेटरी रिमार्क्स। सेंटेंस इसका सिंपल सा है, आर ई एम और उसके बाद आपने जो रिमार्क के लिए वो एंटर कर। अगर आप इसकी एग्जांपल देखिएगा तो इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है बेटा। सबसे पहले आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, लाइन नंबर 10 के ऊपर आपने एक रैम की कमांड को यूज किया और आगे आपने इसमें दे दिया कि इस प्रोग्राम विल फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोग्राम जो है एवरेज फाइंड करेगा दो नंबर्स की। अब इसके बाद लाइन नंबर 20 के ऊपर आपने क्या दिया, आपने दो नंबर्स दिए, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 15। लाइन नंबर 30 के ऊपर आपने दूसरा वेरिएबल लिया और उसको 35 कर दिया। लाइन नंबर 40 के ऊपर आपने क्या किया, ए बी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। लाइन नंबर 50 के ऊपर आपने कहा एवरेज ऑफ टू नंबर 60 के ऊपर आपने प्रिंट किया ए बी जी और 70 के ऊपर आपने इसको प्रिंट किया। अब ये क्या करेगा, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल, नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है।
किस तरीके से नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ये जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, उससे नेक्स्ट कुछ भी ये प्रोसेस नहीं कर रही। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट जो है आपके पास वो है स्टॉप की कमांड। स्टॉप स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।